ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज बात हम कर रहे हैं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर मामले के अपडेट की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। बीती 17 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई, लेकिन अब सब कुछ अगली सुनवाई पर अटका है। दरअसल अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है और माना यह जा रहा है कि कोर्ट में यह दिन काफी अहम रहने वाला है। इस मामले में कोर्ट कोई अहम फैसला भी सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा यह तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की इसकी बात आगे हम करेंगे। लेकिन उसके पहले बंगाल में इस मामले को लेकर क्या चल रहा है अपडेट आपको हम दे देते हैं। दरअसल बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल अब भी जारी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार कोशिशों के बाद डॉक्टर ममता बनर्जी से मिलने के लिए राजी हुए थे और बीती 16 सितंबर को उनकी डॉक्टर से मुलाकात हो पाई थी। इस बैठक में क्या हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बुधवार को जब एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स और सरकार की मीटिंग हुई तो वो फिर से बेनतीजा ही रही। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के साथ 2.5 घंटे बैठक की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा कोई हल नहीं निकल पाया। डॉक्टर्स ने कहा कि वे सरकार से हुई बातचीत से असंतुष्ट हैं और अपनी हड़ताल को वो जारी रखने का काम करेंगे। डॉक्टर्स ने आरोप भी लगाए और कहा कि बैठक में डॉक्टरों और राज्य सरकार ने बैठक की लिखित कार्यवाही मांगी थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जिसे कहा जाता है, लेकिन इसे देने से सरकार ने इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल की तरफ से आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। संदीप से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन 13 दिन से ज्यादा हो गया उसके बावजूद कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला, क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, काउंसिल ने यह कदम उठाया। उधर नए कमिश्नर मनोज वर्मा जो है वो गुरुवार को आरजीकर कॉलेज और अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने दौरा किया था। बता दें कि 16 तारीख को जब ममता बनर्जी की हड़ताली डॉक्टर से बातचीत हुई थी तब 5 में से उनकी 3 मांगों को मान लिया गया था। इसमें केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों पर मामला दर्ज करने की भी मांग शामिल थी। इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा लेने की मांग भी सरकार की तरफ से मानी गई थी। लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने और फिर अस्पतालों में थ्रेट कल्चर को खत्म करने की बात पर सहमति नहीं बन पाई थी। कुल मिलाकर डॉक्टर्स और ममता की मीटिंग को लेकर कोलकाता में 7 दिन तक टकराव चला था और चार नाकाम कोशिश होने के बाद 16 सितंबर को ममता सरकार और डॉक्टर्स के डेलीगेशन के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में ममता की तरफ से 3 मांगे मानी गई थी, वो हमने आपको बता दी। डॉक्टर्स ने कहा कि वे काम पर लौट जाएं, डॉक्टर्स की को कहा गया, लेकिन गतिरोध पर यह कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि हमें बहुत उम्मीद थी लेकिन हम निराश हैं, हम भी ये चाहते थे कि ये प्रदर्शन खत्म हो लेकिन हमें इसे जारी रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी यानी कि 5 मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती। हालांकि 16 सितंबर से पहले भी ममता ने 14 तारीख को डॉक्टर्स को मिलने के लिए तलब किया था, बुलाया था, और तब इंतजार करने के बावजूद डॉक्टर नहीं आए थे। फिर ममता खुद उनके पास पहुंची थी और बातचीत की गई थी। डॉक्टर इस बात पर अड़े थे कि मीटिंग में जो भी बात हो रही है उसे रिकॉर्ड किया जाए, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने रिकॉर्डिंग की बात को माना और साथ ही कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग संभव नहीं है। अब तक हुए एक्शन में सरकार ने मीटिंग के बाद पुलिस कमिश्नर बदलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के 4 और अधिकारियों के ट्रांसफर किए। इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदल दिए गए। अब मामले में अपडेट की अगर बात की जाए तो सीबीआई क्या कह रही है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है, बता रही है कि कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय के कपड़े समेत अन्य चीजों को जब्त करने में 2 दिनों का वक्त लगाया और ये सबूत केस के लिए अहम हो सकते थे। दरअसल संजय को पुलिस ने 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस के एसएचओ अभिजीत मुंडल को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ अब ये हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की सरकार को अपनी सुनवाई के दौरान फटकार लगाई है और यह फटकार महिला डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले को लेकर लगाई गई है। सरकार ने यह फैसला लिया था कि नाइट ड्यूटी खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सवाल किया है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती हैं, उन्हें कोई रियायत नहीं चाहिए।
ये कहा गया कोर्ट की तरफ से, सरकार का काम है उन्हें सुरक्षा देना, पायलट, सेना और सभी प्रोफेशंस दूसरे हैं जहां पर महिलाएं रात में काम करती हैं। इसके बाद फिर बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में जो जिरह कर रहे थे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने ये कहा कि सरकार महिला डॉक्टर्स की ड्यूटी 12 घंटे तक सीमित करने और फिर नाइट ड्यूटी पर रोक लगाने वाले अपने फैसले को वापस ले लेगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विकिपीडिया को ट्रेनी डॉक्टर जो मृत हो गई हैं उनका नाम और तस्वीर हटाने के आदेश भी दे दिए हैं और कहा है कि पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। उधर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आज बात हुई थी 17 तारीख को। वकील इंदिरा जयसिंह जो हैं उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स का पक्ष रखा और कहा कि डॉक्टर हड़ताल खत्म करना चाहते हैं और बंगाल सरकार ने भी डॉक्टरों से काम पर लौटने की तारीख पूछ ली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक डॉक्टर अपने एसोसिएशन की बैठक नहीं कर लेते तब तक कोई तारीख नहीं दी जा सकती। उधर कोर्ट में बंगाल सरकार ने यह भरोसा दिया है, आश्वासन दिया सुप्रीम कोर्ट को कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले की सुनवाई को लेकर जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उस पर रोक लगाने की मांग भी ममता सरकार की तरफ से दलील दे रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में की और कहा, इसके पीछे दलील उन्होंने दी कि बंगाल सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों को सोशल मीडिया पर एसिड अटैक और रेप जैसी धमकियां दी जा रही है, लेकिन सीजीआई कह रहे हैं कि कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं होगी क्योंकि यह जनहित का मुद्दा है और अगर ऐसा कोई किसी को खतरा है तो हम उस पर एक्शन लेंगे, कदम उठाएंगे। लेकिन इसके साथ ही एक याचिका कोर्ट में और दाखिल की गई थी और वो क्या थी, वो थी ममता बनर्जी को पद से हटाने को लेकर, लेकिन इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आप बार के सदस्य हैं, हम जो कहते हैं उस पर हमें आपकी वैधता की जरूरत नहीं है। अब मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को तय की गई। आपको याद होगा कि बीती 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद ये मामला सामने आया जिसमें पता चला कि महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसकी हत्या की गई। इस मामले में अगले ही दिन सीसीटीवी और मौके पर मौजूद सबूतों के आधार पर सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था और फिर जो खुलासे हुए उसके बाद हर तरफ सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखा गया था और फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था।